हाय फ्रेंड्स, सो दिस इज राकेश फ्रॉम एग्जामिनेशन। सो आज के हम वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आरबीआई जो लगातार 5 टाइम से अपने की रेट डिक्रीज करी जा रही है, तो इसका क्या फ़ायदा मतलब हमें हो रहा है कि नहीं हो रहा। मतलब आरबीआई बार बार पुश कर रही है कि जो बैंक जो हैं सारे के सारे अपने जो रेट्स हैं, जो लेंडिंग रेट्स हैं, वो अपने रेपो रेट से लिंक करें। दैट मीन कि मतलब जैसे आरबीआई ने रिसेंट काफ़ी टाइम से अपने रेट गिराए हैं, उस बैंक आरबीआई को लगता है कि बैंकों ने मतलब ये अपने जो जो लैंडिंग रेट हैं, जिस इंटरेस्ट पे वो मतलब पैसा लैंड करते हैं, वो नहीं कराए हैं। तो मतलब आरबीआई कंसर्न है कि मतलब आरबीआई ने अक्टूबर 1 से बोल रखा है कि ये सारे जो बैंक हैं सारे के सारे आप अपने जो रेट हैं इसको लिंक करो, अपने जो मॉनिटरी पॉलिसी वाले रेट हैं इनसे लिंक करो। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि ये रेट लिंक क्यों नहीं हो रही, मतलब क्यों ये ट्रांसमिशन प्रॉब्लम आ रही है कि मतलब आरबीआई तो बोलता है कि मतलब मैंने अपना जो रेट है वो 5.40 से घटा के 5.15 कर दिया, पर ये सेम जो बैंक है ये क्यों नहीं कर रहे, मतलब ये इनका जो लोन्स है ये क्यों नहीं मतलब 0.25% डिक्रीज हो रहा। तो सबसे बड़ी बात है कि मतलब जो बैंक, अब हम देखते हैं कि बैंक लोन कैसे देते हैं। तो अगर आप कभी भी बैंक के पास जाते हो तो बैंक पूछता है कि अगर आप फिक्स रेट पर लोन लेना चाहते हो या आप फ्लोटिंग रेट पर लोन लेना चाहते हो। तो फिक्स रेट बैंक एक डिफाइन कर देता है, मतलब लेट से अगर वो बोलता है कि 8% पे मैं आपको फिक्स पे दे दूंगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ मतलब इकनॉमी कैसा काम करे और जो रेट है उसके लिए वो बढ़े या कम हो। जो फ्लोटिंग पॉइंट है उसमें बैंक बोलते हैं कि मतलब जो रेट होंगे सो दैट दोज विल लिंक विद द की रेट्स, पर इसमें भी मतलब बैंक जो कंडीशंस रखते हैं वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं रादर देन कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसमें वो काफ़ी सारे कॉस्ट इंक्लूड कर देते हैं, अगर आपको चेंज करवाना है मतलब वो इमिजिएटली, बहुत सारे बैंक होते हैं इमिजिएटली चेंज नहीं करते, आपको मतलब खुद एप्लीकेशन देनी पड़ती है और उसमें भी आपके कुछ पैसे वो चार्ज कर सकते हैं करते हैं। तो मतलब जो मेन सबसे बड़े प्रॉब्लम है कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसका रीज़न यही होता है कि मतलब बैंक मतलब आरबीआई अज्यूम कर रही है कि मतलब जैसे उसने अपना जो लैंडिंग रेट है मतलब रेपो रेट है सो वो 5.40 से 5.15 कर दिया, तो बैंक का जो बोरिंग कॉस्ट है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, मतलब बैंक के लिए जो कॉस्ट पड़ती है पैसे की वो डिक्रीज़ हो जाएगी। पर इसमें काफ़ी और फैक्टर इन्वॉल्व है, फॉर एग्जांपल बैंक सिर्फ एक मिडल मैन का काम नहीं करता कि आरबीआई से पैसा लेके मतलब कस्टमर को दे रहा है, बैंक के पास और भी चीज़ें होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वो सेविंग में यूज़र्स को पैसा दे रहा है, या उसके पास यूज़र्स ने मतलब कस्टमर्स ने FD मतलब ओपन करवा रखी है, तो इसमें भी मतलब बैंक मतलब कस्टमर्स को अपने जो जो यूज़र होते हैं उनको मतलब अलग अलग रेट्स पे वो देता है, मतलब पैसा देता है और उनको इंटरेस्ट देता है। तो मतलब इसका मतलब यही है कि मतलब ये सारे फैक्टर अगर आते हैं तो अगर आरबीआई चाहती है कि उसके जो रेट्स हैं वो सिंक इन हो विद मॉनेटरी पॉलिसी के रेट्स, तो जो बाकी सारी चीज़ें भी हैं जैसे मतलब आपका सेविंग बैंक में जो आपका क्वार्टरली आपको इंटरेस्ट मिलता है वो भी अकॉर्डिंगली सिंक इन होना पड़ेगा, उसके बाद आपके FD के रेट्स हैं वो भी अकॉर्डिंगली सिंक इन होना पड़ेगा। तो ये सब कुछ, ये पूरा बैंकिंग का जो इकोसिस्टम है ये भी मतलब आपका काफ़ी चेंज हो जाएगा। तो एक बड़ा क्राइटेरिया मतलब एक बड़ा प्रॉब्लम ये भी है कि मतलब अभी के टाइम पे स्पेशली इन इंडिया सो बैंकिंग जो सेक्टर है ये काफ़ी अनस्टेबल सेक्टर कहा जा रहा है, क्योंकि मतलब काफ़ी सारे बैंक हैं जो NPA के कारण मतलब काफ़ी रिस्ट्रिक्शन लगा रखी हैं RBI ने। तो मतलब इन सभी को मिला के अगर कहा जाए कि बैंक को अगर फोर्स करेंगे कि आप भी अपने रेट अकॉर्डिंगली सिंक इन करो, तो काफ़ी इशू भी आ सकते हैं मतलब बैंक की तरफ से। और अब सेकेंडली क्वेश्चन आता है कि RBI पिछले 5 टाइम से अपने जो रेट्स हैं वो डिक्रीज़ कर रही हैं और ये मतलब रेट जो है मतलब इसके 10 ईयर लोएस्ट हैं। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि मतलब इतना सारे डिक्रीज़ करने के बाद भी कंट्री को मतलब जो इकनॉमी है उसमें इम्पैक्ट क्यों नहीं दिख रहा, क्यों मतलब अभी भी मतलब हमारा जो स्लो डाउन है वो बढ़ता ही जा रहा है,
हमारा जो जीडीपी नंबर्स हैं, जीडीपी ग्रोथ रेट है वो कम से कम होता जा रहा है। आरबीआई ने अभी जस्ट 6.1% किया है और जो लास्ट टाइम जो 2 महीने पहले इसने किया था वो दैट वाज 6.9%। सो मतलब इसका रीज़न क्या है, मतलब क्या इसे कंट्रोल नहीं हो रही, क्या बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व हैं, तो ये भी मतलब एक डिबेट है कि मतलब क्या मतलब रेट डिक्रीज करने से ही कंट्री की इकनॉमी रिवाइव हो पाए कि नहीं, क्या कुछ और हमें मजे लेने पड़ेंगे जिससे मतलब जो स्लो डाउन है उसको कम किया जा सके और जिससे मतलब मार्केट में लिक्विडिटी को पुश किया जा सके। थर्ड फैक्टर एक और आता है कि मतलब हम एग्जूम करते हैं कि हमने रेट स्लो कर दिए जिससे बोरिंग कॉस्ट कम हो गई, तो इससे यूज़र जो है मतलब जो बोरो कर रहे हैं वो एकदम स्पेंड कर देंगे। पर इससे हम एक चीज़ भूल जाते हैं कि इंडिया के जो कस्टमर का बिहेवियर है सो दैट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम कस्टमर बिहेवियर फ्रॉम वेस्टर्न कंट्री लाइक यूएस और यूरोप। सो इंडिया के जो लोग हैं वो बोरो करते हैं, एक्सपेंडिचर के लिए बहुत कम करते हैं, मतलब वो ये नहीं चाहते कि बोरो करके वो कहीं घूमने जा रहे हो या फिर मतलब कुछ बड़ी चीज मतलब कुछ बड़ा एक्सपेंस कर रहे हो। तो ओवरऑल मतलब जो बोरिंग होगी मेजरली वो इंडस्ट्री से होगी और इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि मतलब जो बोरिंग होके इसकी जो प्रोडक्शन होगी या फिर जो जो इससे आउटपुट बढ़ेगी राइट, तो इससे मतलब ओवरऑल इकोनॉमी को फ़ायदा होगा और मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, सो विद दिस आज का हम वीडियो यही कंक्लूड करते हैं। अगली बार हम एक नए टॉपिक से मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।